हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर सोलुबिलिटी पे बात किया था, हेनरी लॉ के बारे में देखा था और देखा था कि सोलुबिलिटी जो है सॉलिड का लिक्विड के अंदर और गैस का लिक्विड के अंदर किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो किस किस बात पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर पे सोलुबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगा। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वेपर प्रेशर। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था मैंने कि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखना शुरू करें तो नोट बुक और पेन जो है बिल्कुल हमेशा साथ में रखें, साथ में एनसीईआरटी बुक भी रखें। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी अगर वीडियो स्टार्ट किए हैं, अगर नोटबुक और पेन आपके पास नहीं है तो पहले नोटबुक और पेन पास में रख ले, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि हो सकता है कि लेक्चर्स के टाइम पे कुछ डिफिनेशन मैं आपको बोल करके बताऊं तो वहां पे आप उसको नोट करेंगे। जो भी यहां पे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट को नोट करना है, उसे अपने तरीके से एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। और अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब लोगों ने पेन और नोटबुक रख लिया है, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है कि जो प्रेशर जो है वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे लगाया जाता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। डेफिनेशन से कुछ समझ में आया नहीं? अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कोई लिक्विड रख लिया, सपोज वाटर ही रख लिया, कोई भी लिक्विड यहां पे हम लोगों ने रख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया और इस कंटेनर से एक यू ट्यूब लगा दिया, इसको मैनोमीटर ट्यूब भी बोलते हैं। इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कुछ मर्क्यूरी फिल कर दिया, इस तरीके से इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या किया, मर्क्यूरी फिल कर दिया। अभी क्या है कि यहां पे ये जो लिक्विड है, यहां पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, यहां पे बिल्कुल क्या है, वैक्यूम है, यहां पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होगा धीरे धीरे कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड जो है इवेपोरेट होना शुरू करेगा, वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, तो यहां पर इस लिक्विड का कुछ वेपर बनना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पे वेपर बनेगा तो वो कंडेंस भी हो सकता है, वो वापस लिक्विड में भी जा सकता है। तो यहां से कुछ हमारे पास वेपर बनना शुरू हो गए, कुछ वेपर जो है कंडेंस होकर के लिक्विड में भी जाना शुरू हो गया। तो यहां पे जो हमारे पास वेपर बनेगा, ये जो हमारे पास वेपर बनेगा यहां पे, सपोज इसको हम इसे दिखा रहे हैं, ये वेपर जो बना हमारे पास और ये जो हमारे पास लिक्विड था, ये लिक्विड सरफेस है, दिस इज लिक्विड सरफेस, और यहां पे जो हमारे पास वेपर बना, अब क्या आ चुका है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है। यहां पे टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा इससे में कि ये जो जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, मतलब यहां पे एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। जैसे यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, क्या ये जो मरकरी का जो कॉलम है क्या ये ऐसा ही रहेगा, या ये जो वेपर जो है, ये जो वेपर है यहां पे जाकर के इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो क्या होगा, इधर में ये जो मरकरी का कॉलम है वो आपका राइज करेगा और इधर में क्या हो जाएगा, ये मरकरी का कॉलम नीचे चला जाएगा। समझ मारी बात? तो सपोज करते हैं कि यहां पे मरकरी का कॉलम यहां तक रहा और इधर मरकरी का कॉलम इतना राइज कर गया, तो कुछ ना कुछ मरकरी के कॉलम में डिफरेंस आ रहा होगा। सपोज ये जो डिफरेंस है वो एच है, एच डिफरेंस आ गया, तो यहां पे जो मरकरी के कॉलम के डिफरेंस के बराबर जो प्रेशर होगा, वही प्रेशर यहां पे जो वेपर है, ये जो वेपर है और ये जो हमारे पास लिक्विड है, ये जो वेपर है इस लिक्विड के सरफेस पे भी क्या कर रहा होगा, उतना ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। समझ आ गई बात? तो ये जो प्रेशर हुआ, ये जो वेपर जो प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे जो एग्जर्ट कर रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर।
ठीक है। तो वेपर प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड कंटेनर, इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्लोज्ड कंटेनर के अंदर जो प्रेशर वेपर जो है लिक्विड के सरफेस पे एग्जर्ट करता है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। समझा की बात। तो ये था हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहां पे जो लिक्विड था, क्या अगर ये लिक्विड चेंज कर दे टेम्परेचर उतना ही रखे तो क्या हर केस में वेपर प्रेशर सेम रहेगा? नहीं, अगर लिक्विड चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर हो सकता है चेंज कर जाए। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर यहां पे चेंज करें तो क्या वेपर प्रेशर इतना ही रहेगा या चेंज करेगा? वेपर प्रेशर भी चेंज करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर जो है किस किस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन पहला जो है किस बात पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज करेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में जाएगा, वेपर फेज में जाएगा, और वेपर फेज में अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा तो यहां पे प्रेशर क्या करेगा, वो ज्यादा एग्जर्ट करेगा। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। तो लिख लेंगे इसको, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो हो गया कि इंक्रीज करेगा, अब कितना इंक्रीज करेगा, तो इसको क्वांटिटेटिव में एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिवली देख सकते हैं कि टेम्परेचर राइज करने पर वेपर प्रेशर कितना इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है टेम्परेचर T1 पे वो प्रेशर P1 एग्जर्ट कर रहा है, और जैसे हम टेम्परेचर T2 कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर हो जा रहा है P2। तो दोनों में रिलेशन क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि लेट एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज P1। मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, लिक्विड P1 कर रहा है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के मान लेते हैं कि टेम्परेचर T2 कर दिए, तो T2 पे प्रेशर क्या P1 ही रहेगा या वो चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं प्रेशर चेंज होकर P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। एंड एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 वेपर प्रेशर ऑफ सेम लिक्विड, लिक्विड चेंज नहीं कर रहे, लिक्विड वही है, केवल हमने क्या किया है टेम्परेचर बढ़ा दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज P2। तो ये T1 T2 और P1 P2 में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू आपस में एक रिलेशन बना सकते हैं।
तो इक्वेशन क्या है, दैट इज ln P2 upon P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर इंटू 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोलते हैं। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि किस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर जो है, मतलब वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज करेगा। तो सपोज करो क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, आर जो है यहाँ पे क्या है, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, तो आर का वैल्यू हमें पता है। डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और साथ में ये दिया हुआ है कि टेम्परेचर टी वन, मतलब मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर जो है सपोज 2 ATM है, तो पूछा है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होगा। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अदरवाइज कुछ हिंट दिया रहेगा जहां से आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि P1, P2 और T1, T2 में क्या रिलेशन था। P1 और P2 क्या है, टेम्परेचर T1 पे अगर वेपर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर इंक्रीज किए T2 पे वेपर प्रेशर P2 हो गया, तो उसके आपस में रिलेशन क्या है, कौन बताता है, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, ln P2 upon P1 equals to delta H vaporization upon R into 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने पे वेपर प्रेशर कैसे चेंज करेगा, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो सपोज हमने वाई एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर, सपोज वाई एक्सिस पे हमने ले लिया सपोज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, इस इक्वेशन से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन है जिसपे आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, पहला कौन सा कंडीशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा जो है कंडीशन जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, डेट इज नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम लिक्विड चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर अगर सेम रहता है तो भी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। पहला क्या था, टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर मान लो कि लिक्विड के अंदर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटर एटॉम, जो इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन है, अगर वो इंटरेक्शन आपस में वीक हो, कमजोर है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आसानी से स्केप करके लिक्विड से किसमें पहुंच जाएगा, वेपर में पहुंच जाएगा, तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, मतलब अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखेगा, वो लिक्विड से वेपर में आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वेपर में आसानी से नहीं पहुंच पाएगा तो वेपर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, मतलब कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ये दो चीजों पे जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड पे कि अगर लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर यह स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब राउल्ट्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग दो तरीके के सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, पहला जो होगा जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा और दूसरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। मतलब कि हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे इसके अंदर, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है और हम लोग इसमें केवल लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, लिक्विड हो गया। अब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बस दो चीज पढ़ेंगे, एक में पढ़ेंगे कि जिसमें सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड हो मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, और दूसरे में सॉल्यूट कैसा हो, लिक्विड हो मतलब वोलाटाइल हो। समझ वाली बात। तो हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस को। वेपर प्रेशर हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस लिक्विड सॉल्यूशंस में हम लोग दो तरीके का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में दो तरीके का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। और दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से कि ये जो हमारे पास है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन लिक्विड, कि लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम लोग सॉलिड ला रहे हैं, और ये सॉलिड कैसा है, ये सॉलिड कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल सॉलिड इन लिक्विड। और ये है लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड। तो दो तरीके का सॉल्यूशन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में दो तरीके के सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। एक होगा कि लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल। समझ में आ रहा है, नॉन वोलाटाइल मतलब वैसा सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट है लेकिन वो सॉल्यूट वेपर फेज में नहीं जाएगा। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होगा, क्या होगा वो लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा। यहां पे केवल वेपर फेज में कौन जाएगा, केवल लिक्विड जाएगा, मतलब सॉल्वेंट जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूट जो है कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, तो वेपर फेज में नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल सॉल्यूट है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फेज में भी रहेंगे और दोनों लिक्विड फेज में भी रहेंगे। यहाँ पे सॉल्यूट केवल किसमें रहेगा, लिक्विड फेज में, वेपर फेज में सॉल्यूट नहीं रहेगा। वेपर फेज में किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, केवल सॉल्वेंट के, दैट इज लिक्विड के। समझ आगे बात। तो एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और सेकेंड में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हेडिंग लगा दो लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब हम लोग क्या किए हैं,
कि एक हमारे पास सपोज करो ऐसे सोचो कि हमारे पास एक सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया। अब सॉल्यूट सॉल्यूट डालेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर था, मतलब पहले जो प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा था और अब जो है वो सॉल्यूशन की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है, क्या दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? नहीं, बात समझ में आई? देखो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर अभी क्या है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट। और अब हमने क्या किया, इसी कंटेनर के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, कुछ सॉल्यूट मिला दिया। और कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब बोल सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो ये हो गया हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था और इसी में हमने क्या कर दिया है, कुछ हमने सॉल्यूट मिला दिया है और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सुनवाड़ी बात यहां तक। अब देखो यहां पे क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट करेगा और साथ में जो वेपर होगा वो कंडेंस भी करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा यहां पे, मान लो कि यहां पे इक्विलिब्रियम ऐसे आ गया, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां पे कुछ वेपर्स हमें दिखेंगे, तो यहां पे कुछ वेपर्स दिख रहा है, यहां पे भी जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां पे भी हमें कुछ वेपर्स दिखेंगे। तो ये वेपर जो है इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा और ये वेपर भी क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, केवल प्योर सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। इसको हम लोग मान लेते लिख देते हैं पी नॉट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी नॉट। अब यहां पे जो प्रेशर आएगा उसमें क्या है, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन तो है लेकिन सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो क्या ये सॉल्यूट वेपर फेज में आएगा या केवल सॉल्वेंट ही वेपर फेज में आएगा? सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है और तो वेपर फेज में आ ही नहीं सकता है, तो वेपर फेज में केवल कौन आएगा, सॉल्वेंट आएगा। तो यहां पे जो प्रेशर आया, सपोज कर लेते हैं कि ये प्रेशर है पी, पी सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोल देते हैं पी सॉल्यूशन और इसको हम लोग बोल रहे हैं पी सॉल्वेंट, ठीक है। तो पी सॉल्वेंट है, यहां पे सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर है और यहां पे सॉल्यूशन के कारण जो प्रेशर है, बताओ ये दोनों प्रेशर क्या सेम रहेगा या दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है। ये जो प्रेशर होगा पी सॉल्यूशन, जो प्रेशर होगा पी सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। पी सॉल्यूशन या पी हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट था, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास सरफेस पे क्या है, केवल सॉल्वेंट है, केवल सॉल्वेंट है, तो आसानी से क्या करेगा वो, वेपर फेज में एस्केप कर जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि यहां पे कुछ सॉल्वेंट भी है और कुछ सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और साथ में कुछ सॉल्यूट भी है। और सॉल्यूट कैसे है, ये जो ब्लैक वाला जो है सपोज सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है तो क्या ये ब्लैक वाला जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, क्या ये वेपर में जाएगा, नहीं जाएगा। केवल कौन सा जाएगा, ये ब्लू वाला जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, केवल वही वेपर फेज में जाएगा। तो यहां पे जो सरफेस पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए जो वेपर फेज में जा रहा है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि कुछ सरफेस पे क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल भी है। यहां पे क्या था, सरफेस पे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही था, इसलिए यहां पे वेपर में जाने का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे, इस वजह से यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और यहां पे ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हमें बात पता चल गया कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो हमें पता चल गया कि ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा, अगर क्वांटिटी अगर हम मेजर करना चाहें कि कितना ज्यादा होगा तो कैसे पता करेंगे? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्ट, ठीक है। तो राउल्ट ने बताया कि
किस तरीके से हम लोग इसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी वाइज मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर ये डिक्रीज करेगा या कितना प्रेशर इसका होगा इसके कंपैरिजन में, इसको हम लोग मेजर करेंगे और उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, लिखेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, जैसे मान लो कि हमारे पास अब बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अगर मान लो कि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की वजह से प्रेशर आएगा, अगर एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है तो केवल एक की वजह से प्रेशर आएगा। तो राउल्ट्स लॉ यही बोलता है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जैसा कल हम लोगों ने पिछले क्लास में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके का लॉ है, लेकिन हेनरी लॉ केवल गैस के लिए था, ये किसके लिए है, ये किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए है। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटीज है, केवल यही डिफरेंस है कि वो केवल गैसियस के लिए था और ये किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। देखो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, राउल्ट्स लॉ को क्या है। जैसे मान लो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, सपोज इसके अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट है ए और बी, ए एंड बी, दो कंपोनेंट का क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो जब बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी का, तो अगर वेपर फेज में अगर मान लो कि दोनों वोलेटाइल होता है या एक वोलेटाइल है, सपोज कि ए जो है वो वोलेटाइल है, ए कैसा है वोलेटाइल और बी कैसा है नॉन वोलेटाइल, सपोज ए और बी का एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें ए जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, बी जो है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो यहां पे जो पार्टिकल आएंगे वो किसके आएंगे, केवल ए के आएगा, तो यहां पे प्रेशर भी किसके वजह से होगा, केवल ए की वजह से होगा। अगर मान लो कि ये भी वोलेटाइल होता तो यहां पे बी का भी पार्टिकल आता और प्रेशर किसके वजह से होता, बी की वजह से भी होता। तो यही राउल्ट्स लॉ यही बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction in the solution, ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे सपोज हमारे पास ए वोलेटाइल कंपोनेंट है, बी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि एक जो है सॉल्यूट हमारा वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है हमारा वोलेटाइल है। तो हमारे पास अगर ये वोलेटाइल कंपोनेंट है और ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं सॉल्वेंट और इसको हम लोग मान ले रहे हैं सॉल्यूट। हेडिंग यही लगाए थे कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो यहां पे जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि ए और बी अब सॉल्यूशन बन चुका है। अगर केवल ए होता और यहां पे जो प्रेशर रिजल्ट होता उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे अगर मान लो कि हमारा सॉल्वेंट है, एक और केस बना देते हैं यहां पे, जैसे यहां पे हमारे पास ये केवल ए है, ए क्या है प्योर सॉल्वेंट, इसमें कोई भी सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है किसका, ए और बी का, ये ए और बी का सॉल्यूशन है और ये केवल ए प्योर सॉल्वेंट है। तो जब प्योर सॉल्वेंट रहेगा, जब इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, तो यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू
प्योर सॉल्वेंट, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पीए नॉट, पीए नॉट। और यहां पे जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो पीए कहलाएगा, पीए मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, समझ मारे बात, या पी सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं, पी सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ ये जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके वजह से होगा, केवल वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट तो वेपर में आएगा ही नहीं, तो केवल किसके वजह से प्रेशर आएगा यहां पे, वेपर प्रेशर किसके वजह से आएगा, केवल एक ही वजह से आएगा। यहां पे किसके वजह से आ रहा था, यहां पे भी एक ही वजह से आ रहा था, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन होगा, ज्यादा, समझ आ रही बात। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी सॉल्यूशन है वो केवल किसके वजह से आ रहा होगा, वो केवल एक ही वजह से आ रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं पी ए, समझ आ रही बात। यहां पे लिखे हैं पीए नॉट और यहां पे लिखे हैं पी ए, पीए नॉट मतलब क्या है, पीए नॉट मतलब प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए, मतलब ए में और कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करेंगे पीए नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और ये क्या है पीए, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट है, जिसमें बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि यहां पे जो पीए जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस ए का कितना कंपोनेंट है, स्मॉल फ्रैक्शन कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, क्लियर है। अब यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो हेनरी लॉ में क्या लगाते थे, एक कांस्टेंट लगाते थे जिसको बोलते थे हेनरी कांस्टेंट, यहां पे भी एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट इज प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और ये पीए क्या है, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू कंपोनेंट ए, पीए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू कंपोनेंट ए, ड्यू टू कंपोनेंट ए। और पीए नॉट क्या है, पीए नॉट इज वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ए, जो ए हमारा जब प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेगा, जैसे यहां पे था प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेगा, तो जो प्रेशर रिएक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीए नॉट, और ये जब सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा और तब ए की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे पीए, क्लियर है। और एक से क्या है, एक से इज द मोल फ्रैक्शन, कहां पे मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन फेज के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, तो एक से इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, ठीक है। चल अब देखो यहां पे जो प्रेशर जो था, पहले पीए नॉट था, प्योर सॉल्वेंट था, प्रेशर पीए नॉट था, इसमें हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, अब प्रेशर कितना हो गया, पीए हो गया, तो क्या पीए नॉट पीए बराबर होगा, नहीं, कौन छोटा होगा, पीए जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, लोअर हो गया, कम हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ, पहले प्रेशर हमारे पास था पीए नॉट और अब प्रेशर हो गया पीए, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया बताओ, पीए नॉट माइनस पीए, तो हम लोग लिख सकते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पीए नॉट माइनस ये हमारा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो यहां पे हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि यहां पे प्रेशर कितना लोअर होगा, इसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये कैसा प्रॉपर्टी रखता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके केवल किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि इसका कितना अमाउंट मिला रहा है। सपोज कि अगर मान लो कि हम 1 केजी यूरिया मिला है या 1 केजी शुगर मिला है,
जितना इसमें लुब्रिकेंट वेपर प्रेशर अगर 1 केजी यूरिया मिलाने से आता उतना ही 1 केजी क्या मिलाने से आएगा, शुगर मिलाने से आएगा। मतलब जो लुब्रिकेंट वेपर प्रेशर है ये केवल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो हम सॉल्यूट जो मिला रहे हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं वो कितना अमाउंट मिला रहे हैं, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे इसके बाद तो इसको फिर से एक बार वहां पे थोड़ा पढ़ेंगे। अभी जब अभी देखो सपोज कि हमारे पास ए का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया होता, बी का मोल फ्रैक्शन दिया होता, तो फिर हम कैसे निकालते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है ए का ए की वजह से वो कितना आ रहा है या लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आ रहा है। तो ये हो गया लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा एक टर्म आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर लोअर कितना हुआ, पीए नॉट माइनस पीएस, और एक्चुअल में था कितना पीए नॉट। तो रिलेटिव लोवरिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, आर एल वी पी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लोअर लिख देते हैं कितना हो चुका है पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पीए अपॉन पीए नॉट, दिस इज आर एल वी पी। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 1 माइनस पीए अपॉन पीए नॉट, ठीक है। अब अगर हमें इसे मोल फ्रैक्शन में निकालना है कि बी के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास पता है कि पीए जो आया था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आया था, पीए नॉट इनटू एक्स। अगर हमें एक्स के टर्म में नहीं एक्स बी के टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब चूंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में बस दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहां से एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां पे इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। बात तो इस तरीके से अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि किस तरीके से अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर कितना लोअर होते जाएगा, इसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें तो एक हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका, नोट कर लिया आप लोगों ने। यहां पे अगर सपोज हम लिख देते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन जो है सपोज कि अगर यहां पे स्टार्टिंग में अगर देखें तो अगर मान लो कि हमारे पास केवल ए था, हमारे पास बी नहीं था, मतलब क्या था केवल ए था प्योर सॉल्वेंट, मतलब एक्स ए जो है यहां पे कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 0। अभी हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया है, तो कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा 1 और बी का कितना होगा 0, क्योंकि बी तो है ही नहीं। अब हम धीरे धीरे बी मिला रहे हैं, बी मिलाते जाएंगे तो बी जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा और ए का मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा। तो यहां पे जैसे जैसे हम लोग पहुंच गए, सपोज करो कि यहां पे आ गया ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया और क्या आ गया केवल बी आ गया, मतलब
जैसे जैसे हम लोग इधर मूव करेंगे ए का मोल फ्रैक्शन कम होते जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। मतलब जब हम लोग इस पॉइंट पे रहेंगे मोल फ्रैक्शन के तो केवल ए रहेगा, बी नहीं दिखेगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे ए का मोल फ्रैक्शन घटते जाएगा, बी बढ़ते जाएगा। यहां पे पहुंचेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, जीरो। मतलब ए नहीं है, केवल क्या है, बी बचा हुआ है। तो अगर हम इसका वेपर प्रेशर देखें, यहां पे हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को वैरी नहीं करा रहे हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखे हैं। तो क्या होगा, अभी देखो ए है तो ए की वजह से, ए कैसा वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ए हमारा कैसा है, वोलेटाइल है। तो ए की वजह से कुछ वेपर प्रेशर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ए की वजह से मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर इतना है। अब जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे इसमें बी एड करेंगे, तो ए का जो प्रेशर था, केवल ए की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीए नॉट। तो मान लो ये था हमारा पीए नॉट। अब बताओ कि यहां पे बी कुछ भी नहीं था। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें B ऐड करते जाएंगे, इसके अंदर अगर हम B ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या उतना ही रहेगा। देख लो सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, क्यों, क्योंकि B हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्लियर। तो अब क्या होगा, यहां पे हमारे पास धीरे 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 प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब यहां पे पहुंच जाएंगे, जब इस यहां पे पहुंचेंगे जहां पे ए का मोल फ्रैक्शन जीरो है, मतलब हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, केवल क्या बचेगा, बी बचेगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्रेशर है वो केवल किसके वजह से है, यहां पे केवल ए है, बी है ही नहीं, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन जीरो है। इस वजह से यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया कि पहला कि किस तरीके से अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर किस तरीके से डिक्रीज होता है, कितना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट। क्वेश्चन है 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन और इज मिक्स्ड विथ 90 ग्राम वाटर एट 300 केल्विन। ठीक है, आगे है कि इफ वेपर प्रेशर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 300 केल्विन इज, से मान लो दिस इज 300 mm ऑफ HD। आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकेंड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये दो चीज आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो आपको पास दिया हुआ क्या है, यूरिया। यूरिया एक ऐसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यूरिया इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब हमारे पास सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। और हमारे पास 90 ग्राम वाटर दिया हुआ है, टेम्परेचर यहां भी 300 था, यहां भी 300 है, मतलब ये जो 300 mm ऑफ HG जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास, मतलब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सी हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर वाटर है और साथ में क्या है, यूरिया मिला हुआ है, इसके अंदर यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन। अब ये बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर को मान लेते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट है, दैट इज ए कंपोनेंट ए था, और यूरिया जो है वो कंपोनेंट बी है। वाटर को मान लिया हम लोग, वाटर जो है That is A मान लेते हैं और यूरिया को हम लोग कंपोनेंट B मान लेते हैं।
ठीक है, और ए वाला जो कंपोनेंट है ये है हमारे पास वोलाटाइल और ये हमारे पास नॉन वोलाटाइल। क्लियर यहां तक? अब देखो हमारे पास दिया हुआ है क्या, इसका मास दिया हुआ है और इसका भी मास दिया हुआ है, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेते हैं, ए मतलब वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, दैट इज 5 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, मतलब यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास कितना दिया हुआ है 30, मोलर मास कितना होता है 60, कितना हो गया 0.5 मोल्स। तो क्या यहां से मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं? जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो हमें पता है या ए का मोल फ्रैक्शन हमें पता है? तो एक्स ए, ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 5/5.5। अब एक से हमें पता चल चुका है पीए नॉट हमें दिया हुआ है, पीए नॉट कितना दिया हुआ है 300 mm of Hg। निकालना क्या है हमें, सबसे पहला लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पीए नॉट माइनस पीए निकालना है, तो पहले हम लोग पीए निकाल लेते हैं, तो राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पीए इक्वल्स टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, तो पीए नॉट कितना दिया हुआ है 300 और एक्स ए कितना है 5/5.5। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, पीए निकाल लेंगे, और जब हमारे पास पीए निकल जाएगा तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए क्या करेंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जब हम लोग निकालेंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये कितना हो जाएगा, पीए नॉट माइनस दिस, तो यहां से इसको माइनस कर देंगे, वी विल गेट द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पीए नॉट हमारे पास कितना है 300 और पीए कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास पीए निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे हमारे पास क्या निकल जाएगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसका दूसरा पार्ट था आरएलवीपी, आरएलवीपी मतलब लोवरिंग इन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा पीए नॉट माइनस पीए, उसको क्या करेंगे पीए नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट, तो यहां से पीए हम लोग निकाल लेंगे, ये हमारा पीए आ चुका है, यहां पे पीए आ चुका है, पीए नॉट हमें पता है, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट कैसा हो, वोलाटाइल कंपोनेंट हो। अगर हमारे पास दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है उस केस में वेपर प्रेशर कितना होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन है, दैट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट, टू वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब हमारे पास ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में बस दो ही कंपोनेंट होता है और दोनों कंपोनेंट कैसा है, वोलेटाइल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करें हम लोग, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड हमारा सॉल्वेंट भी है और लिक्विड हमारा सॉल्यूट भी है और दोनों कैसा है, वोलेटाइल है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। देखो हमारे पास यहां पे एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए भी है इसके अंदर और कंपोनेंट बी भी है इसके अंदर, ए और बी है लिक्विड फेज, ठीक है, दिस इज लिक्विड फेज। जब ये वेपर फेज में जाएगा तो वेपर फेज में भी हमारे पास ए मिलेगा और वेपर फेज में बी भी मिलेगा, तो वेपर फेज में भी ये मिल रहा है और लिक्विड फेज में भी ये मिल रहा है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे जो ए और बी जो आएगा वेपर फेज में, क्योंकि दोनों कैसा है वोलाटाइल है, ये लिख दे रहे हैं आप, ये भी हमारे पास वोलाटाइल है और बी भी हमारे पास क्या है वोलाटाइल, तो यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा
इस वेपर फेज में किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ए के रहेंगे या बी के रहेंगे या दोनों मॉलिक्यूल्स रहेंगे? दोनों के मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्योंकि दोनों क्या है, वोलाटाइल है। तो यहां पे जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा पी, जो सॉल्यूशन की वजह से आ रहा होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके किसके वजह से रहा होगा, ए की वजह से भी रहा होगा और बी की वजह से भी रहा होगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, अब अगर हम लोग राउल्ट्स लॉ लिखते हैं तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पीए जो होगा, पीए मतलब वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, पीए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पीए नॉट इनटू एक्स के इक्वल होगा। सपोज दिस इज इक्वेशन वन। और पीबी जो होगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी वो किसके बराबर होगा, पीबी नॉट इनटू एक्स बी के बराबर होगा, इक्वेशन टू। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या बोलते हैं कि टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। जो भी इंडिविजुअल गैस या वेपर प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा। तो अगर हम यहां पे टोटल प्रेशर की बात करें, पी टोटल या पी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर रहा होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहा होगा वो किसके बराबर आएगा, पी टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग पी टोटल, जो यहां पे टोटल प्रेशर राइज हुआ होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ए की वजह से जो प्रेशर है और बी की वजह से जो प्रेशर है दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे टोटल प्रेशर कितना राइज हो रहा होगा। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, पी टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी के बराबर हो जाएगा। तो पी ए किसके बराबर है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए जो बराबर है दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इनटू एक्स ए, और पीबी किसके बराबर है, पीबी नॉट इनटू एक्स बी के बराबर है। अब मान लो कि किसी ए के टर्म्स में लिखना है, मान लो कि केवल ए के टर्म्स में लिखना है या केवल बी के टर्म्स में लिखना है तो एक को हटाना पड़ेगा। तो ये भी चीज हमें पता है, हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक बाइनरी सॉल्यूशन है और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, सपोज हम इसको लिख दे पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स बी को कॉमन ले लेंगे। तो जब एक्स बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, हमारे पास आ जाएगा P टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस, यहां पे अगर हम एक्स बी कॉमन लेते हैं, एक्स बी को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, अगर इसको अगर हम प्लस कर दे तो हमें बचेगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये हमारे पास P टोटल आ गया। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम A के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता, B को रिप्लेस करना पड़ता, B को रिप्लेस करना पड़ता, B की जगह पे क्या लिखते हैं, वन माइनस एक्स ए, तो हमारे पास A के टर्म में आ जाता। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा P टोटल आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। केवल एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो हम लोग इस तरीके से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, पी टोटल क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पी टोटल जो है वो क्या है, दिस इज द
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं, सपोज जैसे अभी हम लोगों ने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला ग्राफ देखा था, उसी तरीके से अगर हम दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो किस तरीके से ग्राफ आएगा उसको देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि जो हमारे पास दो कंपोनेंट था ए और बी, मान लेते हैं कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी कहने का क्या मतलब है कि ए अगर ज्यादा वोलेटाइल होगा तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर ए का होगा वो बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, मतलब जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेपर फेज में उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उतना ज्यादा होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर हम लोग कॉन्स्टेंट रखते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इधर हम वेपर प्रेशर लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो केवल ए प्रेजेंट है, एक्स ए वन है तो एक्स बी कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे जैसे इधर आ रहे हैं मान लो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और यहां पे पहुंचते पहुंचते बी का मोल फ्रैक्शन वन हो गया तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा और एक्स बी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पे जब एक्स ए केवल ए का मोल फ्रैक्शन होगा मतलब बी नहीं है तो मान लेते हैं कि प्रेशर यहां पर है, ठीक है, प्रेशर कितना है यहां पे, तो इसको क्या बोलेंगे, पीए नॉट बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे बी तो है नहीं। जब यहां पे रहेगा तो क्या रहेगा, केवल मान लेते हैं कि ये पी बी नॉट। समझ आगे बात। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन आया था अगर एक एक करके देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आया था कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए। तो अगर हम यहां पे जाते हैं केवल इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, केवल इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन के लिए क्या दिखेगा कि जब एक्स ए वन है, जब एक्स ए का वैल्यू अगर हम यहां पे वन रखते हैं तो पी ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम केवल पी ए का ग्राफ प्लॉट करें, सॉरी पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पे x से बराबर जीरो होगा, x से बराबर जीरो पुट करेंगे, पीए भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पीए इक्वल्स टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, इसका ग्राफ है। दूसरा अगर हम दूसरा हमारे पास क्या इक्वेशन था कि पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, ये इक्वेशन था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा। अब देखो यहां पे एक्स बी का वैल्यू कितना है, जीरो, इसमें पुट करो एक्स बी जीरो तो पी बी कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा। और जब यहां पे आते हैं तो एक्स बी का वैल्यू हो जाता है वन तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी का। तो फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ग्राफ रिजल्टेंट कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। ये हमारा ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन का, पी टोटल का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो किसका है, वो है पी टोटल, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है पी ए प्लस पीबी का, मतलब पी टोटल का, ये पी ए का है और ये पीबी का है। समझ में आगे बात। तो ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ था, इधर हम लोगों ने वेपर प्रेशर लिया था, इधर मोल फ्रैक्शन लिया था। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आ गया जिसमें दोनों कंपोनेंट हमारे पास कैसे है,
वोलाटाइल है। अच्छा इसको हमने ऊपर दिखाया, इसको नीचे दिखाया, रीजन क्या बताया थे? रीजन हम ये बताया है क्योंकि ए जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है बी से, इसलिए पीए नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए? पीबी नॉट से ग्रेटर होना चाहिए। अगर उल्टा हो जाता, सपोज बी इज मोर वोलाटाइल देन ए हो जाता, तो बी इधर लिखते और ये इधर लिखते और ग्राफ कैसा आता? कुछ इस तरीके से आता। सुन मारे बात, वो भी केस कर लेते हैं। इफ बी इज मोर वोलाटाइल, बी इज मोर वोलाटाइल देन ए, अगर बी ज्यादा वोलाटाइल होता ए से, इसका मतलब क्या है कि पी बी नॉट जो होगा वो क्या होगा? पी ए नॉट से ग्रेटर होगा। तो ग्राफ कैसे आता? इसी तरीके का आता, बस पीबी का वैल्यू ऊपर होता और पीए का वैल्यू नीचे होता। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करते, कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पे हमारे पास एक्स ए का वैल्यू 1 है, एक्स बी का वैल्यू कितना होगा? 0, और यहां पे एक्स ए 0 होगा और एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये हमारा मोल फ्रैक्शन इंडिकेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहां पे केवल ए है, तो ए है तो इसके वजह से जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? पीए नॉट। और यहां पे केवल बी है तो इसके वजह से जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? पीवी नॉट। ठीक है, अब बताओ कि यहां पे अगर इस इक्वेशन को हम प्लॉट करें, PA equals to PA not into XA, तो PA equals to PA not, यहां पे 1 है, जैसे सीधा जाएंगे यहां पे 0 हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से। उसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा। समझ में आ रही बात? ये जो ग्राफ है किसका है? ये है PA equals to PA not into XA का, और ये किसका ग्राफ है? ये है PB equals to PB not into XB का, और P total कितना हो जाएगा? दोनों को join कर देंगे तो ये हमारा जो आएगा, ये जो graph आएगा हमारा, ये किसका graph है? ये हमारा P total है। P total किसके बराबर है? PA plus PB के बराबर। तो दोनों ग्राफ सेम है। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? यहां पे देखा कि ए जब ज्यादा वोलेटाइल हो, और यहां पे हमने क्या देखा कि जब बी ज्यादा वोलेटाइल हो, तो ज्यादा वोलेटाइल रहेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट के बारे में देख लिया कि किस तरीके से जो है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर जो है कंपोनेंट का कैसे वेरी करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इस लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि वेपर फेज में हम लोग कैसे कंपोजिशन निकालेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज हम लोग ये कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। कंपोजिशन इन वेपर फेज का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है, तो अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास कंपोनेंट ए और बी का, तो यहां पे कुछ ए के भी कंपोनेंट होंगे, कुछ बी के भी कंपोनेंट होंगे, इस तरीके से ए और बी के कंपोनेंट होंगे इसमें। ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, बोथ आर वोलाटाइल। अब यहां पे जो वेपर में आएगा, ये जो वेपर में होगा, वेपर में भी हमारे पास ए और बी के कंपोनेंट होंगे, ए और बी जो है वो वेपर में भी होगा हमारे पास। तो जब इक्विलिब्रियम का केस होगा, जब यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा वेपर और लिक्विड के बीच में, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो यहां पे जो ए और बी का जो है मोल फ्रैक्शन कितना है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो वेपर फेज में जो कंपोजिशन है, ए का मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग वाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बी का मोल फ्रैक्शन है उसको वाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम लिखे वाई ए, Y A is mole fraction of
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज सिमिलरली वाई बी को हम लोग लिख रहे हैं वाई बी को हम लोग लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज. तो ए और बी जो वाई ए और वाई बी है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे. तो इसको निकालने के लिए हम लोग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज करेंगे. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि जो प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन. तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग लिखेंगे कि जो पी ए होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वाई ए इंटू दैट इज पी ए इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंटू पी टोटल. ये हम लोग लिख सकते हैं. सिमिलरली यहां से अगर हम वाई ए निकालना चाहते हैं तो वाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए अपॉन पी टोटल. और पी ए इक्वल्स टू हम लोग को पता है राउल्स लॉ से पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल. तो यहां से हमारे पास वाई ए निकल जाएगा मतलब वाई का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो हम लोगों ने यहां से निकाल लिया कि वेपर फेज में वाई का मोल फ्रैक्शन कितना होगा दैट इज पी ए अपॉन पी टोटल. और पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए. सिमिलरली अगर हमें निकालना है वाई बी बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाई बी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे वाई बी इक्वल्स टू सिमिलरली हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे पी बी अपॉन पी टोटल. और पी बी को हम लोग लिख सकते हैं पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल. तो यहां से हम लोग वेपर फेज में कितना कंपोजिशन होगा दोनों कंपोनेंट का वो हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगले लेक्चर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद उसमें हम लोग फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एंटर करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जा रहा है आप उसको सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि क्वेश्चंस आपको आपसे सॉल्व हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे. जो चीजें नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें. ठीक है. ओके थैंक यू.